मिशन जय भीम का नेशनल और इंटरनेशनल ऑफिस के इनॉग्रेशन पर बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ एक आह्वान करता हूं, हमने अपने सपने मिलकर हजारों हजार लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 को 4/8 राजनिवास मार्ग से पैदल मार्च करते हुए 26 अलीपुर रोड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, आप सब लोग हजारों की मात्रा में वहां साथ चलकर गए और आप सब ने जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा निकाली। और जिस ऊर्जा का आप लोगों ने परिचय दिया, मैं उसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन अब मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ता पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और जो देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल को खत्म करके मानवता और शांति का संदेश लेकर तथागत बुद्ध का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञाशील, मैत्री, ये जो बुद्ध के धम्म का संदेश है, इसको लेकर जाएंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ 23वीं प्रतिज्ञा आज और जोड़ दीजिए, और 23वीं प्रतिज्ञा होगी संविधानवादी धर्म। हम लोग संविधानवादी धर्म को ही अपना धर्म मानेंगे और धर्म में और धम्म में अंतर करना लोगों को घर घर जाके बताएंगे, क्योंकि धर्म चलता है धर्मशास्त्र से। बुद्ध का धम्म है, धर्म नहीं है। बुद्ध के धम्म में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, समता का भाव है, सबके लिए मंगल भावना है, दुनिया के लिए शांति और मानवता का संदेश है। हम सब लोग भारतवासी कहलाने में गर्व महसूस करें, हम सब लोग संविधान को अपना धर्म माने, हम सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें, हम सब लोग सभी धर्म के मानने वाले जो उनकी आस्थाएं हैं, उनकी आस्थाओं की भी इज्जत करें। क्योंकि अगर हम लोग खुद दूसरे की आस्था की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर हमारी आस्था की भी लोग इज्जत नहीं करेंगे। रही बात को किसको किसको मानना है, किसको नहीं मानना, ये सबका व्यक्तिगत मामला है। भारत का संविधान ये फंडामेंटल राइट सबको देता है कि कौन किस धर्म के प्रति अपनी आस्था रखे, किसको किस आस्था के प्रति अपने आप को समर्पित करे, ये सबका व्यक्तिगत मामला है, उसकी रेस्पेक्ट हमें सबको करनी चाहिए। तो इसी शांति और मानवता के संदेश के साथ देश के कोने कोने में जाकर देश से जाति उन्मूलन, जो संकल्प हम सब लोगों ने मिल के लिया है, वो जाति उन्मूलन के लिए हम देश के कोने कोने में घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि पूरी दुनिया में जातियां नहीं हैं, जाति केवल भारत में है और जातियों का निर्माण चालाक इंसानों ने किया है। हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा, जाति बनाने वाले को जाति से फायदा हुआ और जाति के बन जाने से देश के 90% लोगों को नुकसान हुआ। तो ये 90% लोग कम से कम अपने अंदर फैले जातिवाद को तो खत्म कर दें। अगर हम अपने अंदर खुद के अंदर फैले जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए, तो फिर भारत को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम सब लोग सच्चे भारतवासी बने, भारत के संविधान से प्यार करें, भारत के संविधान को ही अपना धर्म मान लें, तो मैं समझता हूं भारत को एकजुट करना और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का शासन, करुणा और मैत्री का, प्रज्ञा का शासन, सबको साथ लेके चलने की बात, सब में प्यार बांटने की बात, यही भारत को जोड़ेगी। इसीलिए हमने कहा बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। इसी परिकल्पना को लेकर यहां से फिरोजा रोड से मिशन जय भीम के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर शांति और मानवता का संदेश देंगे। इस आह्वान के साथ मैं आप सबको आज शुभकामनाएं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।